back, students. I already explained part 1, part 2 from lesson 9, Madam Rides the Bus, where we have seen there was a small girl, 8-year-old, and her name is Vallambai. But everyone is calling her Valli, and she was 8-year-old. But she has a strong desire to ride on the bus, and that's why she started collecting 60 paise. Anyhow, she gathered information from neighborhood and friends, so that she come to know that how much money she has to spend in on bus journey. So हमने देखा कि इस तरह से उसने पैसे इकट्ठा करके कलेक्ट करके शी फाइनली रीच टू द बस एंड कंडक्टर ऑल्सो कॉलिंग हिम कॉलिंग हर मैडम बिकॉज शी वॉज मोर मैच्योर देन अदर चाइल्ड. सो पार्ट 3 में देखते हैं कि कैसे उसने बस जर्नी स्टार्ट किया और कैसे उसे लगा, हाउ शी वॉज फीलिंग, हाउ शी हैज़ enjoyed this journey. Her first journey, इसका पहला journey, what careful, बहुत ही सावधानी से, painstaking, and she has taking so much pain, elaborate plans, too detailed and to execute plans, she had to make for it. उसने उस journey के लिए उसे plan बनाना ही था detail में, and that's why she has to take pain, because there is no pain, no gain. She had thriftily saved whatever stray coins come her way. Thriftily means she spent money carefully. उसने बड़े ही carefully, सावधानी से जो भी पैसे उसके सामने आए, जितने भी आए, वो बड़े सावधानी से सेव करती हैं. Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. और उसने ignore किया अपने सारे attractions. The temptation means attractions, आकर्षण. वो सारे पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स और चीज़ें मेले में जो उसे आकर्षित करने वाले थे, उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर किया. फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. फाइनली उसने 60 पैसे सेव किए. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज शी, एज वी ऑल नो दैट, शी वॉज 8-year-old चाइल्ड एंड शी वॉज वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टॉयज, पेपरमेंट्स एंड बलून. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट had been for her to save money, 60 paise, and on that day when there was a village fair. But she had resolutely means strong determination, pakki irade se, stable means suppressed hona, dabana, a strong desire to ride the merry-go-round. Merry-go-round ek jhule ka naam hai. Usne yahan tak ki village fair mein usne bade strongly aur bade hi pakke irade se अपनी जो छोटी सी विश थी कि झूले पे झूलना, उसने दबा दिया, बस इसलिए कि उसे 60 पैसे कलेक्ट करने थे. इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे, देन ऑल्सो शी सेव, शी नेवर वॉन्ट टू स्विंग द मेरी गो राउंड. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, अब उसने ठीक ठाक पैसे सेव कर लिए थे, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज. स्लीप आउट मीन्स चुपचाप निकल जाना, बिना उसके उसके मदर के नॉलेज से वो चुपचाप चोरी से कैसे घर के बाहर जाए. द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज इन फ्रंट ऑफ हर, फर्स्ट वन हाउ टू कलेक्ट मनी, एंड फाइनली शी हैड कलेक्टेड मनी 60 पैसे. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज हाउ टू स्लीप आउट फ्रॉम द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने मैनेज कर लिया बिना किसी डिफिकल्टी, बिना किसी समस्या के. Every day after lunch her mother would nap मतलब short sleep, एक हल्की सी झपकी लेना नींद की, from about 1 to 4 hour. Every day मतलब हर दिन उसकी जो मम्मा थी दोपहर के time एक छोटी सी नींद लेती थी, 1 to 4, यानी 1 से 4 के बीच तक. Valli always used these hours for her excursions. Valli हमेशा अब इन घंटों को अपने पिकनिक के लिए, excursion means पिकनिक के लिए यूज़ करती थी. As she stood looking from the doorway of her house, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पार्ट में देखा कि वो अपने घर के डोर के रास्ते पर खड़े होकर कंटिन्यू स्ट्रीट को देखती थी, एंड समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज, और कभी कभी क्या करती थी वो विलेज के बाहर, वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट कॉशियसली एंड करेजियसली, और वो गांव के बाहर भी जाती थी
कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए. टुडे दीज सेम आर्ट्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शंस आउटसाइड द विलेज. और आज भी वो वही करने वाली थी, अपने गांव के बाहर पिकनिक एंजॉय करने के लिए ये आर्ट्स वो यूज़ करना चाहती थी. कौन सा आर्ट? वो आर्ट जिस घंटों में उनकी मम्मा छोटी सी नींद लेती थी, 1 to 4 o'clock के बीच में उसे प्लान करना था बस जर्नी करना. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. लैंडस्केप मीन्स लैंड एरिया. अब ये सब वो सोच रही होती है जब वो बस में होती है, और जो बस है वो रोल करते हुए टर्न करते हुए आगे निकलती है. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. टाइनी हैमलेट मीन्स एक छोटा सा, हैमलेट मीन्स एक छोटा सा गांव, यानी छोटे से गांव के बीच से होते हुए. और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और बगल में उस रोड के बहुत सारे दुकान थी. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन पॉइंट ऑफ गबलिंग अप अनदर व्हीकल. कभी कभी तो ऐसा लगता था उसे कि जो बस है उसका छोटे छोटे व्हीकल्स को गबलिंग मीन्स ईटिंग, खा जाना, यानी मतलब अपने अंदर समा देता हो, ऐसा लगता है. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनके सामने से आ रही हो. आप देखते हैं जब भी आप बस में बैठे रहते हो, जब छोटी छोटी व्हीकल्स आपके सामने आते हैं ऐसा लगता है कि कहीं हाइड हो गए हों, इसी तरह से उसे लग रहा होता है. और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, जो ट्रेवलर हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, वो रोड को क्रॉस करते दिखते हैं. बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन धीरे धीरे वो पास होते हैं. लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और जितनी भी समस्या थी सबको पीछे छोड़कर वो आगे निकलते हैं. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, जो अब बस में बैठने से ऐसा लगता है मूविंग बस में कि सारे पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे दौड़ रहे हों. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, और वो स्टॉप हो जाते हैं जैसे ही बस उन पेड़ों के उन पास पहुंचते हैं. सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन. और तब तक वो ट्रीज ऐसे ही रुके रहते हैं जब तक बस रुकी रहती है. माई डियर स्टूडेंट, शी वॉज 8 year old गर्ल, एंड दैट्स वाई शी वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग हर एक्सपीरियंस, बिकॉज शी वॉज ट्रेवलिंग इन मूविंग बस. तो मूविंग बस में आप जब बैठते हैं तो सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि दौड़ रही हूँ आपके साथ. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली. ग्ली मीन्स जॉय. और तभी वल्ली खुशी से अपनी हाथ की तालियां बजाने लगते हैं. अ यंग काऊ, एक काऊ जो है टेल हाई इन एयर, अपनी पूंछ को हवा में किए हुए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और रोड के बीचों बीच वो काऊ जो है अपनी पूंछ को हवा में हिलाते हुए दौड़ रहा होता है. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने से दौड़ता है. द बस स्लो टू अ क्राउल, बस फिर धीरे धीरे रेंगने लगती है, मतलब धीरे चलने लगती है. द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. जो ड्राइवर है वो बार बार अपने हॉर्न को बजाने की कोशिश करता है, इसलिए कि काऊ जो है बीच में उसके सामने बस के है वो बगल में हो जाए. बट द मोर ही हॉर्न, जितना वो हॉर्न बजाते हैं द मोर फ्रिटिन द एनिमल, उतने ही फ्रिटिन मीन्स डर लगना, उतने ही एनिमल्स जो हैं वो डरते हैं, जो पशु हैं वो डरते हैं. देखिए आप शहर में बीचों बीच अगर कभी गाय और भैंस आ जाए चलती हुई बस के सामने या ट्रक के सामने, तो कभी कभी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या तो कभी कभी वो बहुत डर जाते हैं और डरने की वजह से वो अफरा तफरी में भागने लगते हैं रोड पर. तो इसी तरह से वो काऊ भी डर गया था. बिकेम एंड द फास्टर ही गैलोप्ड, और बहुत ही जल्दी वो गायब हो जाता है. गैलोप्ड मतलब रन होना, बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगता है डर की वजह से. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार वो बस के सामने आता था. और ये सारी चीज़ें देखकर, ये सीन देख के वल्ली को बहुत हंसी आती है. एंड दैट्स वाई इन हैप्पीनेस शी स्टार्टेड क्लैपिंग, और इसीलिए वो खुशी से क्लैप करना शुरू कर देती हैं. सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली. वल्ली के लिए बहुत ही फनी होता है ये सारी चीज़ें. देख सकते हैं आप पिक्स में, देखो यहाँ पे बस पीछे है और गाय जो है उसके आगे है, और उसकी पूंछ देखो हवा में उड़ रही होती है. ये सारी चीज़ें देख के वल्ली को बहुत अच्छा लगता है, बहुत फनी लगता है. शी लाव्ड एंड लाव्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाता है. हे लेडी हैवंट यू लाव्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर. कंडक्टर ने उस वल्ली को, जो 8 साल की बच्ची है, उसे कहते हैं हंसते हुए, हे लेडी हैवंट यू लाव्ड इनफ, कुछ ज़्यादा तो नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी रख दो. एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, और फाइनली जो काऊ है रोड से
हट जाता है बीचों बीच से. एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और बड़ी ही जल्दी जो बस है वो रेल रोड क्रॉसिंग पर आ जाती हैं. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और स्पेक मीन्स स्मॉल साइन, मतलब बस से उस ट्रेन की स्मॉल साइन को देखी जा सकती है, देखा जा सकता है. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, और जैसे ही बस पास में आती जाती वो साइन जो ट्रेन की साइन है और भी बड़ा दिखता. देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद द ट्रेमेंडियस रोयर एंड रैटल, और उस क्रॉसिंग से जो ट्रेन है बड़ी ही शोर करते हुए आगे की तरफ निकलता है. देन द बस वेंट ऑन, बस चलती रहती है. एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को पास कर देती है. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्ड अ बिजी, और वहीं से जो रास्ता है काफ़ी बिजी हो जाता है. वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट टर्निंग एंटर अ वाइडर थ्रोफेयर, और वहीं से बिजीएस्ट स्ट्रीट शुरू हो जाता है. रोड जो बहुत शुरू हो जाता है वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट होती है, और टर्न करने पर वो इंटर हो जाते हैं एक फेयर में. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, और वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत बड़ा एक ब्राइट दुकान दिखा. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, बहुत ही अच्छी ग्लिटरिंग मतलब शाइन करना, और जो क्लोथ्स बहुत ही शाइन कर रहे होते हैं अच्छे से डिस्प्ले में लगाए गए होते हैं. एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, अदर मर्चेंडाइज मतलब अदर थिंग्स दैट इज रेडी टू सेल दैट इज केप्ट इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट टू द पीपल एंड सच बिग क्राउड्स, और सचमुच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. उसने देखा कि उसकी जब बस ट्रेन स्टेशन से क्रॉस होती है तो धीरे धीरे बिजिएस्ट पब्लिक रोड पर आ जाते हैं जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट होती है, और टर्न होते हैं तो एक थ्रोफेयर मतलब बहुत बिजी पब्लिक रोड पर आ जाती है उसकी बस. और वो चलती हुई बस से देखती है कि बहुत बड़ा दुकान है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शाइन करते हुए कपड़े डिस्प्ले में लगे होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है. स्ट्रक डम विद वंडर, डम मतलब साइलेंट, आश्चर्य से साइलेंट हो जाती है. वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली सारी चीज़ें बड़ी मतलब ध्यान से देखती हैं. देन द बस स्टॉप्ड, बस रुक जाती है. एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, सभी उतर जाते हैं बस से लेकिन वल्ली नहीं. हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने फिर से वल्ली से कहा, वल्लमई से, आरेंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो नीचे उतरने के लिए. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये तो तुम्हारे 30 पैसे का ही नतीजा है जो तुम यहाँ तक पहुँची. नो वल्ली से मल्ली ने मना कर दिया. आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाना चाहती हूँ. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने फिर से 30 पैसे निकाले अपने पॉकेट से और वापस 30 कॉइंस कंडक्टर को दे दिए. वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर ने पूछा कोई मैटर है क्या. नो नथिंग द मैटर, कोई मैटर नहीं है, उसने रिप्लाई किया वल्ली ने कंडक्टर को. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे बस बस पे राइड करना था, वो मैंने कर लिया. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, तुम नहीं चाहती हो कि जब यहाँ पर हो तो यहाँ के आसपास के सीन को देख सको. All by myself. Oh, I had much too afraid. मुझे बहुत डर लगता है. Greatly amused by girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. Nothing to be afraid of about that, she answered. उसने कहा मुझे कोई डर नहीं लगता है. Well, then why not go to that stall over there and having something drink? उस stall पे क्यों नहीं जाती और कुछ drink कर ले, कुछ पीने के लिए ले लें कोई. तो उसने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, मुझे कुछ नहीं डर लगता. ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है. जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे जाने के लिए टिकट दे दो, दैट्स ऑल, अब सही सब ठीक है. इट्स ऑल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरा ट्रीट है तुम्हारे लिए, कोई पैसा नहीं लेने वाला. किसने कहा, कंडक्टर ने, बट उसने फिर से ही मना कर दिया. नो नो शी सेड फर्मली, उसने फिर से कहा अच्छे से स्ट्रांगली कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कृपया करके मुझे नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक. द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपनी कंधे को ऊपर की तरफ उचकाते हुए कहा. एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगन रिटर्न जर्नी, और दे मतलब यहाँ पे वल्ली और कंडक्टर दोनों इंतजार करते हैं वापस बस का स्टार्ट
होना और बस की जर्नी फिर से शुरू होना। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, फिर से ज़्यादा पैसेंजर्स उस बस में नहीं थे। सो माई डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो जब पहुँचती है शहर में तो कंडक्टर उसे काफ़ी इंसिस्ट करता है दैट शी शुड गेट ऑफ फ्रॉम द बस एंड टेक सम कोल्ड ड्रिंक, बट शी डायरेक्टली डिनाइड टू टेक ऑल कोल्ड ड्रिंक बिकॉज शी डिडेंट हैव सच मनी, उतना पैसा उसके पास नहीं था। शी हैड ओनली एम टू ट्रेवल बाय बस, उसका एक ही एम था बस से ट्रेवल करना, दैट्स इट, दैट एंड दैट सॉल्व। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर? नो, इट वॉज इट ईजी फॉर हर। आप पार्ट थर्ड के फर्स्ट इन लाइन में देख सकते हैं, इट वॉज वेरी पेन स्टेकिंग फॉर हर टू कलेक्ट 30 पैसे। शी रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स, एंड फाइनली शी कलेक्टेड 60 पैसे। वॉट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वेन शी वॉज ऑन हर वे, शी सॉ दैट देर वॉज अ काउ हु रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस एंड इज टेल हाई इन द एयर एंड दैट मेक्स हर मोर हैप्पी एंड दैट्स वाई इंग्लिश शी स्टार्टेड क्लैपिंग। वाई डिडेंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? शी डिडेंट वॉन्ट टू गेट ऑफ फ्रॉम द बस बस फ्रॉम एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड डिसाइडेड ओनली टू राइड ऑन द बस एंड शी हैड नॉट शी हैडेंट इनफ मनी एंड दैट्स वाई शी डिनाइड टू गेट ऑफ फ्रॉम द बस। Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? She didn't want to go to the stall and have a drink because she had only 60 paise and she already paid 30 and for returning the journey she had to pay 30 and that's why she didn't want to go to the stall and have a drink. So this is part 3. If you have any doubt, please comment in my box. Thank you.